अभी तक हम लोगों ने एफोरिज्म 9 से आगे पढ़ा क्या है ये समझते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ये जो मेटेरियल बॉडी है इसको एनिमेशन प्रोवाइड करना, इसके अंदर सेंसेशन ऑफ फंक्शन करना, और इसका सेल्फ प्रिजर्वेशन कौन करता है, एक एनर्जी कर रहे हैं जो कि क्या वाइटल एनर्जी है, जिसे हम लोग पावर बोल सकते हैं, डायनेमिक्स बोल सकते हैं, वाइटल प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक है, जब इस एनर्जी के अंदर एक हेल्दी स्टेट के अंदर जब एक एक्सटर्नल डायनेमिक इन्फ्लुएंस, एक एनर्जी के फॉर्म में एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस जब हमारी बॉडी के एनर्जी को इस हद तक डिस्टर्ब कर दे, फॉर एग्जाम्पल एवन में क्या लिखा था, डिरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट, इस स्टेट तक ले आए कि क्या होने लगे, एक इरेगुलर प्रोसेस होने लगे। तो अगर मान लो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल ऐसे था, मतलब इस लेवल पे था, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर एक इरेगुलर प्रोसेस होने लगता है तो इसके बीच में तो कुछ ना कुछ रहा होगा, यहां से यहां तक जो एनर्जी की डिस्टर्बेंस हुआ कुछ ना कुछ तरह इसके ऊपर तो क्या होने लगा, एक इरेगुलर प्रोसेस होने लगा, तो हमें क्या वहां पे मिलेगा, साइन और सिम्टम मिलेंगे। बट यहां से यहां के बीच में कुछ ना कुछ तो एनर्जी का गैप रहा होगा, ये एनर्जी का गैप क्या है, वो इंडिस्पोजिशन है, मतलब हमारी जो वाइटल एनर्जी है एक लिमिट तक क्या करती है, सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकती है, जो कि अपन लोग क्या पढ़ते हैं एफएसएम 10 में पढ़ते हैं नहीं, कि हमारी वाइटल एनर्जी का सेल्फ प्रिजर्वेशन करती है, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन किस हद तक, एक लिमिट तक ही कर सकती है। वही तो क्या लिखा गया है कि एबनॉर्मल डिरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट, एक एबनॉर्मल स्टेट तक क्या होगा, इसका प्रिजर्वेशन होगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन करती है कौन, हमारी वाइटल एनर्जी। तो यहां तक हम क्या बोल सकते हैं, इनडिस्पोजिशन बोल सकते हैं, जहां पर हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, एनर्जी का डिस्टर्बेंस एक लिमिट तक हुआ उस वहां तक बॉडी संभाल लेगी खुद को, इनडिस्पोजिशन होगा। जैसे हम लोग सेल इंजरी में जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो एक लिमिट तक रिवर्सिबल होता है ना प्रोसेस, तो वहां तक अगर एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ तो वहां तक क्या हुआ, जब तक रिवर्सिबल है बॉडी इनडिस्पोजिशन स्टेट तक है, बट उसके बाद अगर क्या हो गया, एबनॉर्मल स्टेट हुई, तो देखो उसके अगले लाइन में क्या लिखा था, एक इरेगुलर प्रोसेस होगा, एक इरेगुलर प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस एक लिमिट के बाद साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है, उसके पहले तक बॉडी क्या अपने आप को संभाल लेती है, सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकती है। ठीक है, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन इनडिस्पोजिशन तक का होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा, बॉडी पूरे किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी स्टेट में बॉडी की एक एनर्जी है, उस एनर्जी को जब एक एक्सटर्नल डायनेमिक इन्फ्लुएंस डिस्टर्ब करता है तो एक एबनॉर्मल स्टेट तक बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो, तो उसके बाद एक इरेगुलर प्रोसेस जनरेट होता है जिसकी वजह से साइन और सिम्टम आते हैं। तो डिजीज किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, क्या डिजीज डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोड्यूस है, नहीं, ये जो हमारी वाइटल एनर्जी है, ये जो हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, यही साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करता है। हमारा वाइटल प्रिंसिपल बताता है कि भाई मुझे ये डिजीज है, मेरी ये दवा होगी, जो कि हम लोग एफोरिज्म 7 में पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या था, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो एफोरिज्म 12 जो पढ़ रहे हैं इसको अभी पुराने से हम कनेक्ट करेंगे लाइन बाय लाइन। तो देखते हैं एफोरिज्म 12 में है क्या, इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स, स्टार करके क्या लगा था, रिप्लेस्ड बाय एनर्जी, ये मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी है, ये हमारी जो वाइटल एनर्जी है सिर्फ यही मॉर्बिडली अफेक्ट हुई, यही एक बीमारी वाले लक्षण प्रोड्यूस कर रही है, अलोन दैट प्रोड्यूस डिजीज, ये सिर्फ अकेला है जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, कौन, हमारा वाइटल प्रिंसिपल ही डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिना परसेप्टेबल टू आवर सेंसेस, जब हमारी वाइटल एनर्जी डिजीज प्रोड्यूस करती है तो एक फिनोमिना मिलता है। तो जैसे फिनोमिना क्या होता है, तो फिनोमिना मतलब सक्सेस ऑफ इवेंट, एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, तीसरा इवेंट हुआ, चौथा इवेंट हुआ, ये लेकिन जब हम होल में बोलेंगे तो ये क्या होगा, एक फिनोमिना होगा, लेकिन एक इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट, जैसे हम लोग बीएचएमएस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
और फाइनल ईयर इंटेंसिव, ये पूरा पूरा क्या है, एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक एक स्टेप है, तो हमारी क्या हो जाएगी, डिजीज स्टेट अलग अलग होगी और डिजीज फिनोमिना क्या होगा, एक बड़ा सा पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे बीएच में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो डिजीज के एक स्टेट फर्स्ट ईयर हो सकते हैं, सेकंड ईयर हो सकते हैं, डिजीज के स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिनोमिना क्या होगा, पूरा एक होगा। तो जब हमारा वाइटल एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो वो अकेली होती है जो डिजीज प्रोड्यूस करती है, और ऐसे प्रोड्यूस करते हैं मॉर्बिड फिनोमिना, ये जो बीमारी का जो फिनोमिना है, परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस। जैसे इंटरनल चेंज होगा, जैसे बॉडी वाइटल एनर्जी चेंज होगी, वैसे ही क्या होगा, हमारे सेंसेस के थ्रू वह एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, जिसे एक फिजिशियन ऑब्जर्व कर ले, क्या लिखा, आवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज। जैसे वाइटल एनर्जी चेंज हो, कोई ना कोई साइन और सिम्टम प्रोड्यूस होगा, जैसे वाइटल एनर्जी हल्की सी डिस्टर्ब हुई, जैसे भी इंटरनल चेंज हो, तुरंत तुरंत सिम्टम बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, और यही वाइटल एनर्जी अकेली होती है जो कि डिजीज प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज से मतलब हनुमान सर का हम कहना ये चाहते हैं, द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ इंटरनल डायनेमिक्स, ये होल पूरा का पूरा जो बीमारी का डिरेंजमेंट है, मॉर्बिड डिरेंजमेंट है ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स, ये जो इंटरनल डायनेमिक्स है, ये जो इंटरनल एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ इसी का मॉर्बिड डिरेंजमेंट है जो कि साइन और सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। इन वर्ड अगर एक शब्द में बोला जाए, क्या, दे रिवील द होल डिजीज। कौन दे, किसके लिए बोला गया, वाइटल एनर्जी के लिए बोला गया, यही वाइटल एनर्जी है जो पूरी डिजीज को रिवील कर रही है, बता रही है। आया समझ में, देखो सेमी कॉलम है, इसके सेमी कॉलम जो हम लोग यूज क्यों करते हैं, पूरे ऑर्गन में बहुत जगह सेमी कॉलम यूज हुआ है, तो सेमी कॉलम होता है कि इसके पहले की जो लाइन है ये अलग है, इसके नीचे की लाइन अलग है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, जहां भी सेमी कॉलम मिलेगा हम लोग वहां को उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो यहां तक बताया गया जो भी मॉर्बिडी अफेक्टेड वाइटल प्रिंसिपल है, ये डिजीज प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सप्रेस करता है अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, दे रिवील द होल डिजीज, और यही जो डायनेमिक्स है, यही जो एनर्जी है, ये रिवील करता है पूरी की पूरी डिजीज को। ठीक है, तो डिजीज को हम कैसे समझते हैं, साइन और सिम्टम के थ्रू समझते हैं। जब यही साइन और सिम्टम, तो ऐसे समझो एक वाइटल एनर्जी है, ये जब डिस्टर्ब हुई, जब ये डिस्टर्ब होगी तो साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये साइन और सिम्टम जो है, इसी के थ्रू हम दवा को देते हैं। तो वाइटल एनर्जी ही सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, और वाइटल एनर्जी ही बताती है कि उसकी दवा क्या है। आया समझ में, जो कि हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 7 में, कि ये जो मॉर्बिड सिम्टम है, ये आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ वाइटल प्रिंसिपल। हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल है, इसी की रिफ्लेक्टेड पिक्चर है, एक वाइटल प्रिंसिपल की पिक्चर है ये जो मॉर्बिड सिम्टम है, और इसी मॉर्बिड सिम्टम के बेसिस पे हम दवा देंगे। कैसे देंगे, एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम को बनाकर देंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या है कि हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल है, या हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, ये रिवील करती है पूरी की पूरी डिजीज को। कॉन्सिक्वेंटली, अब आगे कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता, जिसके परिणाम स्वरूप आल्सो द डिसअपीयरेंस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल द मॉर्बिड फिनोमिना एंड ऑल मॉर्बिड अल्टरेशन दैट डिफर फ्रॉम हेल्दी वाइटल ऑपरेशन सर्टेनली अफेक्ट एंड नेसेसरली इंप्लाई द रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स देयरफॉर रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। जब अंडर ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट में वो पेशेंट आया, जो पेशेंट आया, जब कोई पेशेंट आया, उसके वाइटल एनर्जी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो वो अपने थ्रू अपने डिजीज को लेकर आया, हमने अंडर ट्रीटमेंट क्या लिखा, जब अंडर ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट के अंदर हम मेडिसिन को देंगे तो डिसअपीयरेंस होगा किस चीज का, ऑल मॉर्बिड फिनोमिना एंड ऑल मॉर्बिड अल्टरेशन। वाइटल एनर्जी का जो डिस्टर्बेंस हुआ था, जब ट्रीटमेंट के अंदर उसे डायनेमिक फॉर्म में मेडिसिन देंगे तो मॉर्बिड फिनोमिना और मॉर्बिड अल्टरेशन क्या हो जाएंगे, डिसअपीयरेंस हो जाएंगे। जब ये डिसअपीयर होगा तो क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा किसका, वाइटल एनर्जी का, ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, एकजुटता, जुड़ जाएगा वाइटल एनर्जी जो डिस्टर्ब होगी तो दोबारा क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा उसका। क्या लिखा है, रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स, जो
एक जुटता थी वाइटल फोर्स की, एनर्जी की, वो क्या होगा, दोबारा से रिस्टोर होगी एंड देयर फॉर इस तरीके से रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से पूरे ऑर्गेनिज्म हेल्थ क्या क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा। एफोरिज्म 12। अब इसका जो फुटनोट है देखो, हाउ द वाइटल फोर्स कॉज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमेना, कैसे ये जो वाइटल फोर्स है कॉज द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को कैसे मजबूर करता है कि मॉर्बिड फिनोमेना को डिस्प्ले करे, दैट इज हाउ इट प्रोड्यूस डिजीज, या ये जो वाइटल एनर्जी कैसे डिजीज प्रोड्यूस करती है, इट वुड बी ऑफ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू फिजिशियन टू नो, इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है फिजिशियन को जानने का, मतलब फिजिशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जानना जरूरी है, ये जो साइन सिम्टम है इसे मटेरियल के हम लोग सिम्टम से मैच कराओ, टोटलिटी ऑफ पिक्चर मैच करो, दवा दो, ये हमारी यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन कभी ये यूटिलिटी नहीं हो सकती कि कैसे ये सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमें प्रोग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमें मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कभी भी ये क्योर करने में हेल्प नहीं करते। तो क्योर करने में हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन हेल्प करता है, साइन एंड सिम्टम टू नो, एंड देयरफॉर इट विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम, कंसील्ड मतलब छिपा होना, मतलब ये समझना कि बॉडी कैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, ये हमेशा क्या होगा, कंसील्ड फ्रॉम हिम, एक फिजिशियन से क्या रहेगा, हमेशा छिपा रहेगा। ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिम, जरूरी क्या है, व्हाट इट इज नेसेसरी, क्या चीज जरूरी है फॉर हिम, किसके लिए, एक फिजिशियन के लिए, हिम किसके लिए यूज हुआ है, फिजिशियन के लिए, टू नो ऑफ द डिजीज व्हाट इज फुली सफिशियंट ऑफ एनेबल हिम टू क्योर हिम, सिर्फ ये जानना कि डिजीज क्या है, और डिजीज हम कैसे जानेंगे, साइन और सिम्टम के थ्रू जानेंगे, एंड व्हाट इज फुली सफिशियंट फॉर हिम टू क्योर इट, हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस, ये जो लाइफ के लॉर्ड है, जो भगवान है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज वाइटल प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्रेस करवाते हैं कि डिजीज क्या है, सिर्फ यही एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी एक फिजिशियन के लिए, इसके अलावा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। तो मटेरियल कॉज कभी नहीं हो सकता, मटेरिया पिकन्स कभी भी डिजीज कॉज नहीं कर सकती, हमने एफोरिज्म 11 में पढ़ा। तो डिजीज प्रोड्यूस कौन करेगा, हमेशा डायनेमिक इन्फ्लुएंस होगा जो डिजीज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डायनेमिक इन्फ्लुएंस कैसे डिजीज प्रोड्यूस करेगा, हमारे वाइटल एनर्जी को डिस्टर्ब करके। तो अल्टीमेटली डिजीज प्रोड्यूस कौन कर रहा है, अल्टीमेटली जो हमारा वाइटल एनर्जी है डिस्टर्बेंस इसके अंदर है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस किसकी वजह से है, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से वाइटल एनर्जी के अंदर डिस्टर्बेंस आया, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा वाइटल एनर्जी के, वो सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और जैसे सिम्टम पता लगेंगे एक फिजिशियन जान जाएगा कि इसके अंदर किसी के अंदर एक डिजीज स्टेट पैदा हो रही है, और जब हम ट्रीटमेंट करेंगे उस पेशेंट का, तो ये सारे डिजीज के फिनोमिना, डिजीज की स्टेट क्या होगी, पेशेंट के अंदर चली जाएगी और रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का एफोरिज्म 12 सिर्फ इतना ही है। तो एफोरिज्म 9 में हमने क्या पढ़ा, वाइटल एनर्जी क्या होती है, अगर एनर्जी ना रहे तो क्या होगा, वो हमने पढ़ा एफोरिज्म 10 में, ठीक है। तो एफोरिज्म 9 और एफोरिज्म 10 किसके बारे में, वाइटल एनर्जी के बारे में है। एफोरिज्म 11 किसके बारे में, डिजीज कंडीशन के बारे में है, कि डिजीज कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं कि डिजीज एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही, वहां पे कोई मटेरियल कॉज नहीं है, ये क्या है, एफोरिज्म 11 है, उसके फुटनोट में उसके एग्जांपल दिए गए हैं, जहां पे मैग्नेट का एग्जांपल दिया गया, अर्थ और मून के लेकर एग्जांपल दिया गया। फिर एफोरिज्म 12 में क्या है, कि ये जो वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ है सिर्फ और सिर्फ यही क्या करती है, डिजीज प्रोड्यूस करती है, कौन प्रोड्यूस कर रहा, वाइटल एनर्जी। और जब हम लोग पढ़ते नहीं, जब उसका पढ़ते हैं जेम्स क्रॉस सर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं प्रीफेस पर, तो वहां पर हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं, सिसेट इफेक्टस सिसेट कॉजा, अगर इफेक्ट को रोक दो तो कॉज भी क्या होगा, हट जाएगा। ये हनुमान सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेकर आए कि साइन और सिम्टम को हटा दो, पेशेंट के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना एफोरिज्म 8 में,
जहाँ पे हनुमान सर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइन और सिम्टम को रिमूव करो और हेल्थ की कंडीशन आ गई तो हमें कॉज रिमूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉज है वो हमेशा कंसील्ड होता है किससे? एक फिजिशियन के थ्रू। तो इसमें लिखा नहीं है एफोरिज्म 12 के फुटनोट में कि ऑलवेज फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम, हमेशा छिपा रहता है फिजिशियन से कि वाइटल प्रिंसिपल कैसे डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है और उसका कॉज क्या है। लेकिन कॉज हमेशा क्या होगा? एक डायनेमिक कॉज है, मटेरियल कॉज नहीं हो सकता। ये क्या हमारा एफर्जन 12।